सच में भूत आया हिंदी गोस्ट स्टोरीज। हेलो दोस्तों, यह ज्यादा पुरानी कहानी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस तरह का आप एक कहानी वीडियो यानी कि स्टोरी वीडियो कैसे बना सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको गूगल से स्टोरी को कॉपी पेस्ट करना है और आपको एक एडिटिंग एप्लीकेशन से वीडियो को एडिट करके यूट्यूब के लिए रेडी करना है। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप एंड तक बने रहिएगा। मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि इस तरह का एक स्टोरी वीडियो आप कैसे बहुत ही आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन से बना सकते हैं और उसे आप अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी टॉपिक पे एक कहानी यानी कि एक स्टोरी वाला वीडियो क्रिएट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास उससे रिलेटेड एक वॉलपेपर होना चाहिए, एक इमेज होना चाहिए HD क्वालिटी में, ठीक है। तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर पर आना है और प्ले स्टोर पर आने के बाद यहाँ सर्च बार पर क्लिक करना है और आपको सर्च करना है इमेज सर्च मैन, ठीक है। तो ये आपके सामने इस तरह का एप्लीकेशन आ जाएगा जिसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पर आपको हर प्रकार के इमेज मिल जाएंगे, ठीक है। अब ये इमेज कैसे मिलेंगे यहाँ से आपको, तो मैं इस एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद जैसा कि मैं हॉरर टाइप पे एक कहानी वीडियो बनाना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं सर्च करूँगा हॉरर इमेज, ठीक है। तो हॉरर इमेज अगर आप सर्च करेंगे तो काफ़ी सारे हॉरर इमेज आ जाएंगे, ठीक है। तो आप कोई यूनिक यहाँ पे नाम दीजिए ताकि उस रिलेटेड आपके सामने जो चाहते हैं वो इमेज आ जाए, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ हॉरर नाइट मून वाला जो इमेज हो वो सिर्फ आए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने हॉरर नाइट मून लिख के सर्च किया तो मून वाले जो हॉरर इमेज थे सारे हमारे पास आ गए, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ से कोई एक पिक्चर डाउनलोड करना, ठीक है, और उस पर उसको बैकग्राउंड के रूप में सेट करके और एक स्टोरी वीडियो क्रिएट करना। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, ये डाउनलोड हो गया, ठीक है, आपके मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर कोई आपको और पसंद आता है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद अब इसको डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ पर नीचे दिखेगा, डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। आपको यहाँ पर काफ़ी सारे इमेज मिल जाएंगे, ठीक है, आपके मनपसंद के, बिल्कुल HD क्वालिटी में, बिल्कुल फ्री में, ठीक है। तो आपको इससे डाउनलोड कर लेना, ठीक है। ये डाउनलोड हो गए हमारे मोबाइल फ़ोन में, अब बैक आएंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल या क्रोम ओपन करने हैं और गूगल या क्रोम ओपन करने के बाद आप जिस भी टॉपिक पे एक स्टोरी वीडियो क्रिएट करना चाहते हैं तो सिंपली आपको करना क्या, यहाँ पे वो कीवर्ड डालने हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ गूगल या क्रोम ओपन करेंगे और यहाँ पे कीवर्ड डाल देंगे, ठीक है। जैसा कि मैं हॉरर टाइप का एक स्टोरी वीडियो बनाना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं डाल दिया हॉरर हिंदी स्टोरी, ठीक है। तो यहाँ मैंने हॉरर हिंदी स्टोरी जैसे ही डाला तो यहाँ पे काफ़ी सारे हमारे सामने ऑप्शन आ गए। आप इस टाइटल को पढ़ भी सकते हैं और पढ़ने के बाद आपको उस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद अब उसके अंदर आपको काफ़ी सारे आपको ऑप्शन मिलेंगे। जैसा कि यहाँ पे पहले नंबर पे आपको दिख रहा होगा होटल में एक रात, ठीक है, ये पहला हो गया हॉरर टाइप की कहानी, ये कमरा 244, ये दूसरा हो गया हॉरर टाइप की कहानी, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि होटल में एक रात वाला जो स्टोरी है मैं इस पर अपने वीडियो को क्रिएट करना, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक किया मैं, क्लिक करने के बाद अब आपको सिंपली क्या करना है, इस टेक्स्ट को आपको कॉपी कर लेना है, ठीक है। आप करना क्या है, यहाँ पर टैप करके रखना है ऐसे, ठीक है। अब टैप करके रखना, यहाँ सेलेक्ट एल का ऑप्शन मिल जाएगा, सेलेक्ट एल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अब आपको कॉपी का ऑप्शन, कॉपी कर लेंगे, ठीक है। इतना करने के बाद अब आपको अपने मोबाइल फ़ोन के होम स्क्रीन पे आ जाने हैं और यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे नोट पैड का ऑप्शन आपके मोबाइल फ़ोन में मिल जाएगा, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं नोट पैड है, ठीक है, या फिर अगर आपके मोबाइल फ़ोन में नहीं है तो आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं अपने मोबाइल फ़ोन में नोट पैड ओपन किया, प्लस पे क्लिक करेंगे, प्लस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर टैप करके रखेंगे और यहाँ पर पेस्ट का ऑप्शन आएगा, सिंपली हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने जो अभी स्टोरी गूगल से कॉपी किया था ये हमारे सामने आ गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बैक आने है स्टोरी वीडियो क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो अब मैं बैक आता हूँ, अब आपको प्ले स्टोर से इंसूट एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने लिया, ठीक है, जो बिल्कुल फ्री है, जिसका रेटिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, जिसके यूज़र भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है। तो मैं आपको इस एप्लीकेशन में स्टोरी वीडियो को क्रिएट करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ मेरे सामने इंसूट एप्लीकेशन का डैशबोर्ड आ गया। वीडियो क्रिएट करने के लिए आपको वीडियो पे क्लिक करना है, अब आपको न्यू वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। न्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अब आपने जो इमेज सर्च से वॉलपेपर डाउनलोड किया था, बैकग्राउंड डाउनलोड किया था स्टोरी वीडियो के लिए, सिंपली आपको बैकग्राउंड ले लेना, ठीक है। तो यहाँ से मैंने उस बैकग्राउंड को यूज़ कर लिया। यूज़ करने के बाद सबसे पहले अब आपको यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर कैनवास का ऑप्शन दिख जाएगा इसमें। तो आप YouTube साइज वीडियो बनाना चाहते हैं तो आपको यहाँ YouTube वाले आइकन को सिलेक्ट करना है और इतना करने के बाद सिंपली अब आपको यहाँ पे अगर आपका इमेज एडजस्ट नहीं है, कहीं छूटा हुआ दिख रहा है, आगे पीछे दिख रहा है, तो आपको यहाँ पे इस तरह का लाइन का ऑप्शन मिल रहा है, आपको इसको आगे की तरफ ले जाना है। आगे की तरफ जैसे ही आप ले जाएंगे तो आपका इमेज यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा, फिर डन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। अब आप कितने समय के लिए अपने स्टोरी वीडियो को क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है, तो इसको हम ड्रैग करके इस तरह से कर सकते हैं या फिर आपको यहाँ पे ड्यूरेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये ड्यूरेशन का ऑप्शन है,
तो आपको इस पर क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप सेकंड में, जैसे कि जितने भी मिनट के लिए वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सेकंड में उसको डालेंगे, ठीक है, तो आपका उतने मिनट का ऑटोमेटिक यहाँ पे वीडियो ऐड हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि मैं दो मिनट का वीडियो बनाना चाहता हूँ तो एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो यहाँ पर हम 120 सेकंड कर दिए, यस जो है सेकेंड का सेकेंडों को दर्शा रहा है। अब ओके पे क्लिक कर देंगे, ठीक है, अब डन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ हमें ड्रैग नहीं करना पड़ा, दो मिनट का हमारा ऑटोमेटिक ये बन गया, ठीक है। अब आपको सिंपली क्या करना है, वीडियो बनाने के लिए आपको टेक्स्ट पे क्लिक करना है, तो उस पे क्लिक करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको नोटपैड में आने हैं जहाँ पे आपने स्टोरी वीडियो को कॉपी पेस्ट मारा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आ गया, ये हमारा स्टोरी वीडियो था जिसको मैंने गूगल से कॉपी पेस्ट मारा था। अब हम इसको कॉपी करेंगे थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको कॉपी किया, तो यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया, इतना एक पैराग्राफ कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, कॉपी कर लेंगे, एक पैराग्राफ मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद अब फिर मैं आता हूँ इंसूट एप्लीकेशन पे, ठीक है, इसको मैंने ओपन किया। ओपन करने के बाद अब आपको मिल जाएगा यहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन, ठीक है। यहाँ टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फिर आपको टेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको बॉक्स में पेस्ट करना है। आपको यहाँ पे एक बॉक्स दिख रहा है, ठीक है, तो आपको इस बॉक्स में पेस्ट करना है, टाइप करेंगे पेस्ट का ऑप्शन है, पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये एक ही लाइन में सारे टेक्स्ट आ गए, ठीक है। अब इसे कैसे एडजस्ट करना है, अगर एक ही लाइन में सारे टेक्स्ट आ गए तो इसको हम कई लाइनों में कैसे एडजस्ट करेंगे, तो आपको छोटे छोटे वर्ड में लेने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा वर्ड है, कम से कम 15 वर्ड 20 वर्ड एक लाइन में है, तो इसलिए एक लाइन में शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक लाइन में अगर 4-5 वर्ड लेते हैं तो हमारा जो है ये कई लाइनों में आएगा और सही तरीके से दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक लाइन में अगर हम 5 वर्ड लेते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ से 1 2 3 4 5, ठीक है, तो यहाँ से मैं 5 वर्ड ले लिया। 5 वर्ड लेने के बाद यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है, जहाँ पे 5 वर्ड हमारा फिनिश हुआ वहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कर्सर शो कर रहा है, ठीक है, टिम टिम आता हुआ। अब आपको क्या करना है, वहाँ पे 5 वर्ड 6 वर्ड के बाद कर्सर को क्लिक कर देना है वहाँ पे ले जाकर, यानी कि उंगली से क्लिक करना है और वहाँ पे कर्सर आ जाएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे कीवर्ड में ये दिख जाएगा, ये एरो, ठीक है, आपको यहाँ पे ये एरो दिख रहा है, ये वाला, ठीक है। अब आपको क्या करने हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो ये कट होकर नीचे आ जाएगा, ठीक है। फिर उस तरह से जैसा कि हमने फर्स्ट लाइन में 6 वर्ड लिया, फिर सेकेंड लाइन में हम ले लेंगे 6 वर्ड, ठीक है। फिर यहाँ पर ये कीवर्ड में आपको एरो दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे सेकेंड लाइन, ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट सेकंड। अब यहाँ पे उंगली से हम ऊपर नीचे करेंगे तो ऐसे ऐसे टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे उंगली रख के ऐसे ऊपर नीचे करेंगे तो ये ऊपर नीचे हो जाएगा, ठीक है। अब फिर हम दो लाइन हम बना चुके हैं, अब तीसरी लाइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे, एरो पे क्लिक करेंगे, तीसरी लाइन क्रिएट हो चुका, ठीक है। अब फिर हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, एरो पे क्लिक करेंगे, चौथा लाइन क्रिएट हो चुका, ठीक है। अब फिर हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और एरो पे क्लिक करेंगे, ये हमारा हो गया, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरह से आपको करने हैं। अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट में अच्छे तरीके से भी बता दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये टेक्स्ट यहाँ पे हो चुका एडजस्ट, ठीक है। अब आपको क्या करने हैं, यहाँ पे आपको कलर का ऑप्शन दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर टेक्स्ट, बॉर्डर, शेडो, लेवल, ऑप्टिक्स, काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं, ठीक है। यहाँ टेक्स्ट पर मैं क्लिक किया, अब टेक्स्ट का कलर क्या रखना चाहता हूँ, तो मैं वाइट ही रखना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ मैंने वाइट ले लिया, अगर आप कोई और लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप कलर को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से फिलहाल वाइट कर दिया, कलर को वाइट कर दिया, ठीक है। अब बॉर्डर पे क्लिक करेंगे, आप टेक्स्ट के साइड में बॉर्डर क्या चाहते हैं तो यहाँ पे हम बॉर्डर को यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मैं बॉर्डर ब्लैक लेता हूँ, ब्लैक ले लिया, ठीक है। शेडो क्या लेना चाहते हैं, यहाँ पे शेडो मैं नॉन कर दिया ताकि देखने में अच्छा लगे, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेबल क्या चाहते हैं, अगर आप लेबल चाहते हैं लगाना तो यहाँ पर आप लेबल भी लगा सकते हैं इस तरह से, ठीक है। आपको यहाँ पर सेव कई सारे ऑप्शन नीचे मिल जाएंगे, सेव के ऑप्शन आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मैं नॉन रखता हूँ इसको। अब यहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, स्टाइल का ऑप्शन, स्टाइल किस प्रकार से आप रखना चाहते हैं, यहाँ पे आप स्टाइल यूज़ कर सकते हैं, तो मैं ये स्टाइल ले लिया। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप इसका साइज़ को छोटा बड़ा यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप इस तरह से थोड़ा कुछ कर सकते हैं। फिलहाल मेरा जो एडजस्टमेंट था जैसे था मैं वैसे ही रहने दिया। अब यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपको इन आउट लूप का ऑप्शन मिल जाएगा, जैसा कि आप ये चाहते हैं जो मेरा स्टोरी वीडियो स्टार्ट हो तो किस प्रकार से स्टार्ट हो, किस स्टाइल में स्टार्ट हो, तो ऐसे मैंने कर दिया, ठीक है। अब डन पे क्लिक कर देंगे। अब इसको ड्रैग करके हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ थोड़ा, तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से कुछ ये आएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जिस प्रकार का आपका स्टोरी वीडियो, जिस भी प्रकार का आप स्टोरी वीडियो क्रिएट कर रहे हैं तो आपको करना क्या, उससे रिलेटेड आपको बैकग्राउंड सबसे पहले लगाना है। अगर आप डायरेक्ट वॉइस ऐड कर देंगे तो मज़ा नहीं आएगा जब तक कि स्टोरी वीडियो में बैकग्राउंड ना हो, ठीक है।
तो जैसा कि मेरा हॉरर टाइप का वीडियो है, मैं स्टोरी वीडियो बना रहा हूँ, तो हॉरर टाइप का एक बैकग्राउंड होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए आपको अब क्या करना है, आपको यहाँ पे इंसर्ट एप्लीकेशन में म्यूज़िक का ऑप्शन मिल जाएगा, म्यूज़िक पे क्लिक करेंगे और यहाँ इफेक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इफेक्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हर प्रकार का गेमिंग से रिलेटेड, ट्रांजेक्शन से रिलेटेड, ठीक है, गाड़ी से रिलेटेड, फूड से रिलेटेड, ठीक है। तो मेरा हॉरर टाइप का एक स्टोरी वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ, तो यहाँ हॉरर पर क्लिक किया। हॉरर पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर एक हॉरर बैकग्राउंड लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको यूज़ कर लिया। तो अब मैं क्या किया, आपने एक स्टोरी वीडियो में एक हॉरर टाइप का इफेक्ट यूज़ कर लिया, जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करने हैं, अब आपको क्या करने हैं, अब आपको इस पे वॉइस ऐड करने हैं, ठीक है। हमने टेक्स्ट को ऐड कर दिया, सबसे पहले हमने क्या किया, बैकग्राउंड ऐड किया, फिर यहाँ पे टेक्स्ट को ऐड कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या किया, इफेक्ट पे क्लिक किया और यहाँ से इफेक्ट को यूज़ कर लिया। इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस पे वॉइस ऐड करेंगे। वॉइस ऐड करने के लिए आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप अपना खुद का वॉइस ऐड कर सकते हैं, उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ रिकॉर्ड का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। आप रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे और रिकॉर्ड पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर जो भी वर्ड लिखा हुआ है आप इसको देख के पढ़ते रहेंगे, तो आपका वॉइस रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। ये तो फर्स्ट तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका क्या है, इसी टेक्स्ट को आप कॉपी कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं राइट पे क्लिक करता हूँ और फिर टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, इस वाले टेक्स्ट पे मैंने क्लिक किया, एडिट पे क्लिक किया। एडिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो टेक्स्ट ये शो हो रहा है इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे पूरे को, ठीक है। यहाँ मैंने क्लिक किया सिलेक्ट, एल पे क्लिक किया और इसको कॉपी कर लिया, ठीक है। कॉपी करने के बाद आपको क्या करने हैं, सीधा बैक आने हैं और अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल या क्रोम ओपन कर लेने हैं, और ओपन करने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर नारा किट सर्च करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सर्च बार में नारा किट सर्च करने हैं और यहाँ पे इसको ओपन करने हैं, ठीक है। अब ये क्या करता है, आपका जो टेक्स्ट होता है इसको ऑडियो में कन्वर्ट करके देता है, ठीक है। यहाँ गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे और टेक्स्ट टू स्पीच वाले ऑडियो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब सिंपली आपको करना क्या है, जो आपने टेक्स्ट को कॉपी किया है उसको हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो उससे पहले आप ऑडियो किस लैंग्वेज में चाहते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और लैंग्वेज हम हिंदी ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो हमारा ऑडियो कन्वर्ट हो वो हिंदी लैंग्वेज में हो, ठीक है। तो यहाँ से मैं हिंदी लैंग्वेज लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैंने हिंदी सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे वॉइस का ऑप्शन है, तो आप लेडीज़ या जेंट्स किस वॉइस में चाहते हैं, तो यहाँ पे उस प्रकार का आप वॉइस ले लीजिए। तो यहाँ मैंने अमिताभ कर लिया। अब यहाँ पे जो हमने कॉपी पेस्ट कॉपी कर रखा था टेक्स्ट को, यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ, ये हमारा आ गया। अब आपको क्रिएट ऑडियो पर क्लिक करना है। क्रिएट ऑडियो पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो जो भी वर्ड वो लिखा रहेगा यहाँ पर ऑडियो में ये कन्वर्ट करके आपको दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पर कन्वर्टिंग चालू है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। थ्री डॉट पे क्लिक किया, डाउनलोड पे क्लिक किया, ये हमारा डाउनलोड हो गया, ठीक है। आपका यहाँ पे फाइल देख सकते हैं, ये डाउनलोड हो गया हमारा। अब बैक आते हैं और बैक आने के बाद फिर हम इंसर्ट एप्लीकेशन पे आएंगे। तो यहाँ मैं इंसर्ट एप्लीकेशन पे आ गया। अब फिर यहाँ से हम इंसर्ट एप्लीकेशन पे आ जाएंगे और आने के बाद सिंपली हमने जो ऑडियो कन्वर्ट कर रखा था उसको लेने के लिए म्यूज़िक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे म्यूज़िक का ऑप्शन है, फिर इस पर क्लिक करेंगे, माई म्यूज़िक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके सामने वो ऑडियो शो कर जाएगा। तो यहाँ से मैं उस ऑडियो को यहाँ से ले लिया, ठीक है। लेने के बाद अब इसको एडजस्ट कर लेंगे स्टार्ट पोजीशन पे, जहाँ से भी हमारा टेक्स्ट ये चालू हो रहा है तो वहाँ से हम इस ऑडियो को लगा लेंगे। और लगाने के बाद जहाँ पर अब ये फिनिश हो रहा है, जैसा कि हमारा जो ऑडियो है यहाँ तक है, ठीक है, तो ये टेक्स्ट यहाँ तक पूरा होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम कट करेंगे टेक्स्ट को, ठीक है, क्योंकि हमारा जो ऑडियो है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, हमारा ऑडियो यहाँ तक है, तो यहाँ तक ये बोल के बताएगा स्टोरी के बारे में जो भी ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमारा टेक्स्ट यहाँ तक होना चाहिए। अब इस पर क्या करेंगे, हम टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे स्लाइड का ऑप्शन है और इसको हम डिलीट कर देंगे एक्स्ट्रा पार्ट कट करके, ठीक है। अब जो हमने नोटपैड से फर्स्ट पैराग्राफ को कॉपी किया था ये वर्ड, इसकी एडिटिंग हमारी पूरी खत्म हो चुकी है, ठीक है। अब इसी तरह से हम सेकंड पैराग्राफ को नोटपैड से कॉपी करेंगे और जैसे हमने इसको एडिट किया सेम उसी प्रकार से हम सेकंड पैराग्राफ को एडिट करेंगे, ठीक है। अभी हमारा फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ पर ख़त्म हो रहा है और इसकी एडिटिंग पूरी यहाँ पर कम्प्लीट हो चुकी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नोटपैड पे जाएंगे और नोटपैड से हम क्या करेंगे, सेकंड पैराग्राफ को कॉपी करेंगे और यहाँ पे फिर टेक्स्ट को यूज़ करेंगे, जिससे हमने जैसा कि हमने फर्स्ट पैराग्राफ को कॉपी पेस्ट किया, एडिटिंग की थी, सेम वैसे ही करना है, ठीक है। तो अब मैं नोटपैड ओपन करता हूँ और नोटपैड ओपन करने के बाद इस स्टोरी का मैं सेकेंड पैराग्राफ कॉपी किया, ठीक है। यहाँ पर मैंने इस पैराग्राफ को अब कॉपी करता हूँ, तो इसको मैंने सेलेक्ट किया सेकेंड पैराग्राफ, और सेकंड पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद फिर इंसर्ट एप्लीकेशन पे आएंगे, तो यहाँ से मेरे मोबाइल फ़ोन में इंसर्ट एप्लीकेशन ओपन हो चुका, ठीक है। फिर अब आपको क्या करना है, जैसे कॉपी किया था आपने फर्स्ट पैराग्राफ के लिए, फिर टेक्स्ट पे क्लिक किया था और यहाँ पे आपने पेस्ट किया था,
और पेस्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे एक लाइन में मिल रहा था, आपने इसको एक लाइन में कितना दिया था, यहाँ से क्लिक करके चार या पांच वर्ड दिया था, छह वर्ड दिया था, ठीक है। तो फिर हम उसी हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं पांच वर्ड छह वर्ड लेता हूँ, ये सेकंड लाइन में आ गया। फिर यहाँ से दूसरे लाइन पे क्लिक करता हूँ, दूसरे लाइन से मैं फिर पांच वर्ड लेता हूँ, पाँच या छह ऐसे करके लेंगे तो हमारा सही से ये पूरी तरह से एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर हम थर्ड लाइन पर क्लिक करेंगे, थर्ड लाइन से हम पाँच वर्ड ले लेंगे, फिर यहाँ सेकंड पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एरो पे क्लिक करते जाएंगे, ये हमारा लाइन बनता जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन पे क्लिक किए और यहाँ एरो पे क्लिक किए, ये नीचे आ गया, ठीक है। अब इसको छोटा करके हम एडजस्ट कर लेंगे जिस भी हिसाब से हम इसको रखना चाहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एडजस्ट हो गया जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जैसे आपने कलर दिया था इस टेक्स्ट का, यहाँ पे क्लिक करने हैं और यहाँ पे हम कलर यूज़ कर लेंगे, बॉर्डर यूज़ कर लेंगे, जो भी कलर रखना चाहते हैं, ठीक है। मैंने इसमें ये कलर ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे स्टाइल क्या रखना चाहते हैं, यहाँ से स्टाइल ले लेंगे। अब यहाँ पे आप कितने साइज़ में चाहते हैं इसको छोटा बड़ा करके एडजस्ट कर लेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, फेड इन आउट लूप क्या चाहते हैं आप, यहाँ से आप ये क्लिक कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो आप जिस भी स्टाइल में रखना चाहते हैं अपने टेक्स्ट को वैसे कर लेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, तो अब मैं क्या करता हूँ, डन पे क्लिक करता हूँ और डन पे क्लिक करने के बाद अब इसको हम बड़ा कर लेंगे ड्रैग करके, ड्रैग करने के बाद बड़ा कर दिया और बड़ा करने के बाद इसको हम ऊपर नीचे करके एडजस्ट कर सकते हैं। तो अभी हमने इसको बड़ा कर दिया, अब सिंपली अब आपको क्या करना है, जैसे हमने फर्स्ट पैराग्राफ में हमने इफेक्ट ऐड किया था, सिंपली अब आपको क्या करना है, डन पे क्लिक करना है, म्यूज़िक पे क्लिक करना है और आपको इफेक्ट पे आ जाना है, ठीक है। तो आपको यहाँ से इफेक्ट लेने हैं, इफेक्ट पे क्लिक करने हैं और जिस भी टाइप का आपका स्टोरी वीडियो है यहाँ पे वो मिल जाएंगे इफेक्ट, आपको इस वो इफेक्ट यहाँ से सिलेक्ट कर लेने हैं, यूज़ कर लेने हैं। यहाँ से मैंने इफेक्ट ले लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, फिर टेक्स्ट पे क्लिक करना है और सेकंड पैराग्राफ वाले, जैसा कि ये हमारा फर्स्ट था ये कम्प्लीट हो चुका, यह सेकेंड हो गया, फिर इस पर क्लिक करेंगे, टेक्स्ट पर एडिट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम टेक्स्ट पर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इन सारे टेक्स्ट को हम सेलेक्ट करेंगे ऑडियो बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बॉक्स में, टेक्स्ट वाले बॉक्स में क्लिक करके रखना है और सिलेक्ट एल पे क्लिक करना है, कॉपी करना है, फिर आपको नारा किड्स पे जाना है, गूगल क्रोम ओपन करके नारा किड्स पे हम आ गए। तो यहाँ से मैं नारा किट ओपन करता हूँ, यहाँ से नारा किट आ गया। फिर आपको टेक्स्ट टू ऑडियो कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, टेक्स्ट टू स्पीच ऑडियो, ठीक है, ये रेडी हो रहा है। तो ये हमारे सामने इनबॉक्स आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट को पेस्ट कर देंगे, जो हमने सेकंड पैराग्राफ वाला टेक्स्ट कॉपी किया था, यहाँ पे हम लैंग्वेज हिंदी कर लेंगे। आपको फर्स्ट पैराग्राफ को एडिटिंग करने में टाइम लगेगा, जब आप फर्स्ट पैराग्राफ एडिट कर लेंगे तो आपको सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, कितना हो पैराग्राफ हो आपको टाइम नहीं लगेगा, बस आपको एक बार समझने और करने की देरी है। जब आप एक बार कर लेंगे ना उसके बाद आपको टाइम नहीं लगेगा। फिर यहाँ पर हम लैंग्वेज हिंदी लेंगे, ठीक है, जो ऑडियो लैंग्वेज हो। यहाँ पर हम अमिताभ पे सेलेक्ट किए थे, ये ले लिए। अब यहाँ पे कन्वर्ट पे क्रिएट ऑडियो पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे क्रिएट ऑडियो पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपका टेक्स्ट टू ऑडियो कन्वर्टिंग चालू है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा प्रिपेयरिंग हो रहा है, ये हमारा क्रिएट हो चुका है। थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड पे क्लिक कर लेंगे और ये हमारा ऑडियो डाउनलोड हो गया। अब फिर हम आएंगे इंस्टीट्यूट पे, ठीक है। तो यहाँ से मैं डाउनलोड करता हूँ, ठीक है, डाउनलोड हो गया। अब यहाँ इंस्टीट्यूट पे हम आ गए, इंस्टीट्यूट पे आने के बाद सिंपली यहाँ से हमारा सेकेंड पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, यहाँ से हमारा सेकेंड पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, डन पे क्लिक करेंगे, म्यूज़िक पे क्लिक करेंगे, फिर म्यूज़िक पे क्लिक करेंगे, अब फिर माय म्यूज़िक पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमने अभी सेकेंड पैराग्राफ वाला ऑडियो कन्वर्ट किया था ये था, यूज़ पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा ऑडियो बन चुका है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, ये ऑडियो जहाँ तक है टेक्स्ट को, हमें सेकेंड पैराग्राफ वाले टेक्स्ट यहाँ तक ये ऑडियो है, ठीक है, जैसा ये ऑडियो हमने लिया, ठीक है, अब ये यहाँ तक है, यहाँ पे फिनिश हो रहा है, तो हमें सेकंड पैराग्राफ वाले टेक्स्ट को यहाँ तक बढ़ाना है, ठीक है, 35 मिनट तक, 35 सेकंड तक, सॉरी। तो हम टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, सेकंड पैराग्राफ ये हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने यहाँ तक कर लिया, ठीक है। अब मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ, ठीक है, जैसा कि हमारा ये एडिटिंग पूरा कम्प्लीट हो जाएगा फर्स्ट सेकेंड पैराग्राफ की, ठीक है। इसी तरह से आप थर्ड पैराग्राफ को एडिट करके ऐड करके एडिट कर सकते हैं। तो आप बहुत ही आसानी से इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन में एक कहानी स्टोरी वीडियो बना सकते हैं बिल्कुल फ्री, आपको कोई भी वाटरमार्क नहीं मिलेगा, आपको हर एक ऑप्शन यहाँ पे एडिट करने को मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ कि ये वीडियो कैसा लग रहा है। हिंदी गोस्ट स्टोरीज, हेलो दोस्तों, यह ज्यादा पुरानी कहानी नहीं है,
एक दिन एक लड़का जो कि एक कंपनी में काम किया करता था, उसे किसी भी भूत प्रेत पर कोई विश्वास नहीं था। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इस तरह से आप स्टोरी वीडियो बहुत ही आसानी से इंसूड ऐप में क्रिएट कर सकते हैं। अब आपको इसको वीडियो में कन्वर्ट कर लेना है, सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से क्वालिटी यूज़ कर लेना है, और यहाँ पे आपको सेव पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका ये वीडियो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।